सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक की। देखिए इस समय चल रहा है जो महीना सितंबर का, और जो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर ये जो महीने होते हैं ये ज़्यादातर गाय भैंसों के ब्याह के महीने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पशुपालकों के घर में खुशियाँ आती हैं। खुशियाँ किस प्रकार से आती हैं, जब ज़्यादा दूध होगा और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आएंगी तो अपने मन से धन आएगा तो पशुपालक खुश भी होता है। तो अब इस समय जब पैसा आएगा आप लोगों के पास, तो आप लोगों के मन में एक विचार आता है कि हम अपने पशु को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी दवाएं दें, या आपका पशु ब्याया है तो वहां पर कौन सी दवाएं लेना चाहिए, या हम कौन कौन सी दवाएं पशु को ब्याने के बाद दे सकते हैं। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं जो कुछ लोग हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं, या कुछ लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग अपने ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि मैं पेशे से फार्मासिस्ट हूँ और मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी हूँ। तो हम आप लोगों के हित के लिए ये सारे वीडियो डालते हैं, और हमारा एक जागरूकता अभियान है कि जो पशु हैं उनके संपूर्ण स्वास्थ्य की जानकारी और उनको बार बार न बीमार होने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका पशु इनफर्टिलिटी में चला गया है या बाचपन का शिकार हो गया है, इसके कारण वह पशु उनका कट जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अपना वीडियो बनाते हैं, जिसके कारण क्या है कि जानवर या पशु हमारा उसको कोई भी पीड़ा ना हो सके। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जिसका दूध खा रहे हैं उसका हमारे ऊपर कर्ज होता है, तो हमें उसके स्वास्थ्य की संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। आप लोग करते तो हैं व्यवस्था पूरी, जो जानवर दूध दे रहे हैं आप लोग उनके लिए भी अच्छा राशन पानी खाना दाना अच्छा करते हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा करके, ये कुछ रुपए आप एक्स्ट्रा लगा करके अपना बहुत सारा जो रुपए है वो बचा सकते हैं और बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं। तो बिना देरी के हुए अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि जब अगर मान लीजिए आपका पशु ब्याया हुआ है तो वहाँ पर क्या क्या देना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका पशु ब्याया हुआ है तो बहुत सारे लोग हैं, दाल है, चने अरहर की दाल है, और बाँस की पत्तियाँ हैं, तेल है, गुड़ है, इस तरीके की चीज़ें देते हैं अपने पशु की आंवर या झड़ को निकालने के लिए। या हम लोग बहुत सारे लोग इसको जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं वह उनको यूट्राइन क्लिनसर कहते हैं, या जो पशु चिकित्सक है उसको यूट्राइन क्लीनर कहते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या हैं उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं, और पशु को ब्याने के बाद क्या क्या देना चाहिए जो आइडियल डोज है, या जो हम लोग कहें कि जो आदर्श चीज़ें हैं जो पशु को देनी ही चाहिए वो क्या क्या देना चाहिए, और आप लोग उनको दे करके क्या क्या फ़ायदे कमा सकते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका पशु ब्याया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वहाँ पर करते हैं पशु को अपने जेड़ सफाई या आंवर सफाई या झड़ सफाई या यूट्राइन क्लीनर देते हैं। तो उन यूट्राइन क्लीनर में देखो आजकल क्या है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम उनका जो नाम है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उनकी कंपनी सहित उनका नाम हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो हम लोग क्रिटिकल केसेस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर बच्चा फंस गया है या जहाँ पर आवर फंस गई है, उस तरीके की जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोग जो भी यूट्राइन टॉनिक दे रहे हैं उनके बारे में आज हम लोग आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जब आप लोग पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना जब आप लोग अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं कहीं पर, तो आपको बेहतर चीज़ें मिलनी चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है ये होता है। तो देखिए, यूट्राइन टॉनिक या झड़ सफाई या आवर सफाई के लिए सबसे पहले आप लोग यूज़ कर सकते हैं इंडियन हर्ब्स का, ये देखिए इंडियन हर्ब्स का यूट्रीफिट टॉनिक। तो यूट्रीफिट टॉनिक क्या है, यूट्रीफिट टॉनिक बहुत ही चर्चित ब्रांड है या बहुत ही चर्चित कंपनी का ब्रांड है। क्योंकि आप लोग इसका हिमैक्स, बहुत सारे पशुपालक लोग इसकी हिमैक्स ट्यूब यूज़ करते हैं, हिमालयन बतीसा यूज़ करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर इसका टीबर भी यूज़ करते हैं, और कई सारे प्रोडक्ट आते हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं। तो यूट्रीफिट टॉनिक जो है ये यूट्राइन टॉनिक है, मतलब ये जेड सफाई टॉनिक है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो इनकी रेंजेस हैं, जो यूट्राइन टॉनिक, जो अच्छी यूट्राइन टॉनिक है उनकी जो रेंज है वो 250 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक की है। तो इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये 290 रुपये की कीमत है इसकी, पहले ये 260 रुपये एमआरपी में आती थी। तो आप लोग इसको यूट्रीफिट ले सकते हैं, या आप लोग के यहाँ पर यूट्रीफिट नहीं मिल रही क्योंकि सभी दवाएं हर जगह पर नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, तो आप लोग को यूट्रीफिट नहीं मिल रही है तो आप लोग एक्सापा ले सकते हैं, ये भी बहुत चर्चित ब्रांड है दोस्तों। तो इसको तो मतलब सभी डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, सभी अच्छे पशुपालक जानते हैं, जो पुराने पशुपालक हैं वो भी इसके बारे में जानते हैं, तो आप वहाँ पर एक्सापार का उपयोग कर सकते हैं। इसकी अगर एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इसकी 300 है, या आप
यूट्रीफिड आपको नहीं मिल रहा, एक्सापार आपको नहीं मिल रहा, तो मिल क्या रहा है आपको, यूट्रेटोन तो मिल ही जाएगा। तो यूट्रेटोन, ये ओरिजिनल वाला यूट्रेटोन है गाइस, इसको आप लोग देख सकते हैं, यूट्रेटोन इसका नाम होता है। और यहाँ पर ये जो इस प्रकार का जो बार कोड होता है वो इसके ओरिजिनल की पहचान होती है। उसके बाद इसके ओरिजिनल की पहचान और क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिल्वर प्लेट लगी हुई है और यहाँ पर कैटल एंडीज का जो लोगो लगा होता है, यही ओरिजिनल होता है। क्योंकि मार्केट में दोस्तों बहुत सारे इसी पैकिंग पे लोकल ब्रांड आ रहे हैं, जिसके कारण पशुपालक हमारे भाई पैसा अपना लगा रहे हैं और उनका पैसा वेस्ट हो जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर जब गंदी चीज़ें आएंगी या ख़राब चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर रिजल्ट मिल नहीं पाएंगे आपको, तो वो चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको यूट्रेटोन लेना है तो आपको इस तरीके की ये जो सिल्वर प्लेट है इसको ध्यान देना है और ये बार कोड को ध्यान देना है। अगर हम लोग इसकी MRP की बात करें दोस्तों, तो इसकी MRP 340 रुपये आ रही है। तो इन तीन यूट्राइन टैनिंग में से आप कोई भी यूट्राइन टैनिंग दे सकते हैं। डोजेज अगर बात करें तो अगर आपका पशु नॉर्मल जो आवर है वो डाल चुका है, तो वहाँ पर आप लोगों को 100 ml सुबह, 100 ml शाम की डोज देनी होती है। और जो मिनिमम आपको पिलानी है यूट्राइन टैनिक, वो लगभग 1 लीटर पिलानी है या 900 ml पिलानी है। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए आपके पशु की जानवर, आपके पशु की जो आवर है वो फंसी हुई है, तो वहाँ पर आप 200 ml सुबह, 200 ml शाम पहले दिन कर सकते हैं और उसके बाद 100 ml सुबह, 100 ml शाम कर सकते हैं। मगर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अगर आपके पशु की आवर फंसी हुई है तो आपको वहाँ पर कम से कम 2 सिरप या हम लोग कहें 2 लीटर तक यूट्राइन टैनिक पिलाना चाहिए। क्यों, अगर आप लोग नहीं पिलाते हैं तो वहाँ पर हो जाता है यूट्राइन इन्फेक्शन, जिसको बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग नाम देते हैं। तो यूट्राइन इन्फेक्शन जब हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चेदानी के अंदर मवाद बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जानवर आपका दाना चारा कम करता है, उसके शरीर में या बच्चेदानी में हम लोग कहें दर्द होता है या पेट में कड़कड़ाहट होती है, दर्द होता है। उसके बाद क्या होता है, दूध भी कम हो जाता है, जानवर को आप में टेम्परेचर भी हो सकता है यानी बुखार भी आ सकता है और जानवर आपका बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, यूट्राइन टैनिक देना चाहिए। अच्छा, यूट्राइन टैनिक ही क्यों देना चाहिए, देखिए यूट्राइन टैनिक में आप लगभग 300 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, तो जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, बांस की पत्तियाँ है, अरहर की दाल है और तेल है और गुड़ है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वो सारा जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब वो पुराना मेथड हो गया है। आजकल का जो परिवेश है या जो आजकल का खान पान है वो उस हिसाब से नहीं बचा हुआ है या उस हिसाब से वो गुणवत्ता उन चीज़ों में नहीं बची हुई है, तो आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ें लेनी है। क्योंकि इन सारे चीज़ों में बहुत सारे एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं, ऐसे एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं जो डायरेक्ट वर्क करते हैं और बच्चेदानी की जो अच्छे से सफाई को करते हैं। तो अभी आपने यूट्राइन टैनिक दे दिया, आप यूट्राइन टैनिक देने के बाद फिर आपको आता होगा कि आपको कीड़े की दवा कब देनी है, क्योंकि आपका जानवर 3-4 महीने से लगभग कीड़े की दवा नहीं पाता है। बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे ऐसे हैं जिनमें ज्ञान की कमी है या वो लोग पैसा अपना खर्चा नहीं करना चाहते, तो वो कीड़े की दवा लगभग साल भर नहीं देते। जनरली होता यह है कि 3-4 महीने जो अच्छे पशुपालक हैं वो लास्ट के एडवांस प्रेगनेंसी में कीड़े की दवाओं को छोड़ देते हैं। तो देखिए, अगर सबसे सेफेस्ट कीड़े की दवा की बात की जाए तो सबसे सेफेस्ट कीड़े की दवा होती है, चाहे आप पैना क्यों ले सकते हैं, जिसमें फेवेंडाजोल पड़ा हुआ होता है, इसमें 3 ग्राम फेवेंडाजोल पड़ा हुआ होता है। तो देखिए पैना क्यों ले सकते हैं आप, या इंटास कंपनी की फिंटास जो 3 ग्राम की टेबलेट आती है उसको ले सकते हैं। तो देखिए 3 ग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आपका जानवर ब्याया हुआ है, अगर आपकी जानवर गाय या भैंस है, तो वहाँ पर 3 ग्राम का मतलब होता है ये लगभग 3 क्विंटल के जो बॉडी वेट है, 3 से 4 क्विंटल पर वहाँ पर ये दवा वर्क कर रही है। आपको ये कीड़े की दवा है ये ज़्यादा देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो बहुत ही कौशन वाली बात है, या हम लोग कहें जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, कीड़े की दवाएं आपको अपने मन से नहीं देनी है। कीड़े की दवाएं आपको सदैव पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही वहाँ पर देनी होती है। तो आप अपने पशु चिकित्सक से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। यूट्राइन टैनिक और जो फीड सप्लीमेंट है वो आप हमारे सलाह के माध्यम से दे सकते हैं, मगर जो क्रिटिकल चीज़ें हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार देनी चाहिए उनको, वो मैं आपको बता देता हूं और वो चीज़ें आपको पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही करनी है। तो आप ये पैना क्योर दे सकते हैं, पैना क्योर 3 ग्राम आपको जो टैबलेट है वो आपको शाम को देना है। ये MSD कंपनी की है, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी की दवा है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आपको ये शाम को खाने से पहले आधा घंटे पहले आपको देना है और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ दे देना है, जिसके कारण क्या हो, डिवर्मिंग अच्छी हो जाए। हो सकता है डिवर्मिंग के बाद या कीड़े की दवा के बाद आपका पशु थोड़ा सा ऑफ फीड हो जाए या हल्का सा दाना चारा कम कर दे, तो उसमें परेशान आपको नहीं होना है। वहाँ पर आपको केवल लाल नमक या सेंधा नमक अपने पशु को चटवाना है और आपका पशु 1 से 2 दिन में रेगुलर रूप से भूख में आ जाएगा।
अगर आप मान लीजिए आपके पशु में क्या है, उसका गोबर जो है वो बदबू कर रहा है और वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपका पशु दाना चारा भी कम कर रहा है, तो वहाँ पर आप ये विरबैक फार्मास्यूटिकल्स का निलजान जो बाकी बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट आता है, निलजान है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पशुपालक भाई इसको देते भी होंगे, तो निलजान आप लोग वहाँ पर 100 ml लगभग 3.5 से 4 कुंतल के पशु को दे सकते हैं। अगर किसी का पशु बहुत बड़ा है यानी 6 कुंतल के लगभग है तो वहाँ पर उसको 150 ml निलजान भी अवेलेबल होती है। अगर इसकी MRP की बात करें तो 100 ml निलजान की MRP लगभग 98 रुपये है और लगभग 150 ml की MRP लगभग 150 या 145 रुपये होती है। तो इन दो कीड़ों की दवाओं में से कोई भी कीड़े की दवा आप एक ले सकते हैं, मतलब ये दोनों कीड़े की दवाएँ हैं, इन दोनों कीड़े की दवाओं में कोई आप एक कीड़े की दवा ले सकते हैं, जो भी आपका पशु चिकित्सक आपको निर्देशित करता है उसी के निर्देश के अनुसार आपको ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर उनको कैल्शियम पिलाएं अपने पशुओं को ब्याह के बाद दूध बढ़ाने के लिए, या मल्टी विटामिन पिलाएं, या मल्टी मिनरल्स दें, या क्या क्या चीज़ें देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, मगर जो एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, पेप्टाइड है, मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल्स हैं, उसके बाद प्रोबायोटिक्स भी पड़ा हुआ है, एमिनो एसिड भी पड़ा हुआ है और कार्बोहाइड्रेट जैसी बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो अगर हम लोग देखें तो ये इकोनॉमिकल भी है और सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जा रही हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसको आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन D3, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे इन्ग्रीडियंट ऐसे भी पड़े हुए हैं जो क्या है, जो अपने इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, तो ये टोनो बूस्ट प्रोडक्ट आता है माइक्रोलैब कंपनी का। अगर इसके 100 ml की कीमत की बात करें तो यहाँ पर 100 ml की जो कीमत आती है वो आती है 160 रुपये, और 250 ml कीमत की बात करें तो 250 ml की जो कीमत है वो आ जाती है लगभग 370 रुपये। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पेप्टाइड है, न्यूक्लियोटाइड है और विटामिन में कई सारे विटामिन है, विटामिन ए है, D3 है, ई है, K3 है, विटामिन B1, B2, B3 है, पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B12 है, कोलिन है, बायोटिन है, फोलिक एसिड है, नियासिनामाइड है, विटामिन सी है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सारी चीज़ें जो हैं वो इम्यूनिटी की हैं, ताकत की हैं, दूध बढ़ाने की हैं, भूख बढ़ाने की हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप लोग अगर ये 3 चीज़ें करते हैं तो अगर आपका अगर हम लोग खर्चा देखें तो लगभग आपको जो खर्चा बन रहा है वो लगभग बन रहा है 800 रुपये के करीब। तो अगर 800 रुपये आप लोग खर्चा कर रहे हैं तो आपको वाकई में आप लोग देखेंगे कि आपका पशु बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट में आएगा, आपका पशु अगर आप यूट्राइन टैनिक समय पे दे रहे हैं तो आपका पशु जल्दी हीट में आएगा और वहाँ पर जो उसका कंसेप्शन रेट है या बांझपन जैसी दिक्कतें नहीं आने पाएंगी। अगर आप ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टॉनिक देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाने वाला है, वहाँ पर भी आपके पशु में अच्छा दूध तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो पशु हैं जो कभी कभी क्या होते हैं, ज़्यादा दूध देने के कारण बांझपन का शिकार हो जाते हैं, वो भी दिक्कतें यहाँ पर आने नहीं पाएंगी। और कीड़े की दवाएं समय समय पर देते रहने से क्या हो जाता है कि आपके जानवर में जो भी चीज़ें आप लोग दे रहे हैं वो सब चीज़ें आपके पशु में पहुंच पा रही हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको हमें कमेंट करके बतानी है सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, हार्दिक आभार।